हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो वैकेंसी आई थी आप सभी लोगों का, इसका जो है कि अधिकतर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आप सभी लोगों का जो अंतिम जो रहता है जैसे विद्यालय आवंटन उसका प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें से बहुत सारे जिले का जारी कर दिया गया है, जिसमें से बहुत सारे जिले बचे हुए हैं। तो वही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि अभी तक कितने जिले बचे हुए हैं जिनका अभी तक जारी नहीं हुआ है और वो आज जो है कि किन किन जिले के जारी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिस जिस जिले पर डार्क है उस जिले का भी आ चुका है। अगर हम लोग बात करें किस किस जिले का भी बचा हुआ है तो आप सभी लोग देख सकते हैं पूर्वी चंपारण, अररिया और उसके बाद पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और उसके बाद मधुबनी का बचा हुआ है, उसके बाद मधेपुरा का बचा हुआ है, फिर मुजफ्फरपुर का बचा हुआ है, नालंदा का, बक्सर का, सारण का, पटना का तो आ गया है कल आप सभी लोगों का, सीतामढ़ी का, जमुई का और जो है कि सहरसा का, अरवल का, सिवान का और शिवहर का अभी बचा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का डाउट था कि आज किस जिले का आएगा, सेकेंड डाउट ये था कि लेट क्यों हो रहा है और थर्ड कि कल किस किस जिले का जारी हुआ है ये कन्फर्म कर दीजिए। तो कल जो है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, कल सिर्फ पटना जिला का जारी हुआ था और जो है कि वेस्ट चंपारण का जारी हुआ है आज मॉर्निंग में, जिसका अपडेट मैंने आप सभी लोगों को सुबह सुबह दे दिया था। ठीक है, ये वेस्ट चंपारण का जारी हो चुका है, ईस्ट चंपारण का सिर्फ बचा हुआ है। वेस्ट चंपारण का जारी हुआ था मॉर्निंग में और उसके बाद जो है कि आप सभी लोगों का किसका पटना का जारी हुआ था, जो कि मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था लाइव आकर के, यहाँ पर जो है कि पटना का जारी हुआ था। ठीक है, और अभी तक अगर हम लोग देखें तो इतने सारे जिले का जो है कि जारी हो चुका है। अब जो बचे 12 से 13 जिले, जो 14 जिले के आसपास भाई बचे हुए हैं जिनका अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेट होने के कारण एक ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कारण एक ही है कि रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर वो प्रक्रिया नहीं होती तो बाद में फिर आप सभी लोगों को वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद दिक्कत होता और ज्वाइन करने के वक्त दिक्कत होता, इसी के लिए जो है कि वहाँ पर रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया जारी की गई है, जिसके कारण जो है कि अभी वहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है। अगर वहाँ पर प्रक्रिया में लेट होता है तो आप सभी लोगों का जो विद्यालय आवंटन है ये और लेट हो सकता है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट मतलब जो डेली कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, तो अगर रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया में कोई भी लेट होता है या फिर उनको कोई भी अगर ऊंच नीच लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो लोग जो है कि वहाँ से फिर उस जिले का रोक दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पटना का उस दिन रोक दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि आज किस किस जिले का आ सकता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ आज मोस्ट प्रोबेबली चांस है क्योंकि दरभंगा का तो नहीं आया है, मुजफ्फरपुर दरभंगा और यहाँ पर होगा, देखिए आ गया ये रहा 34 में मुजफ्फरपुर और उसके बाद दरभंगा भी होगा, इसमें मुजफ्फरपुर दरभंगा और सहरसा जिले का आज आने के चांसेस है, जो कि अपडेट मुझे मिली है, जो कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो आज आप सभी लोगों का मुजफ्फरपुर का, दरभंगा का और सहरसा का जारी किया जा सकता है। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं अभी थोड़े दिन पहले जो पटना में रेंडमाइजेशन का प्रक्रिया हो रहा था वो अभी मुजफ्फरपुर में चल रहा था, इसी कारण आप सभी लोगों का मुजफ्फरपुर का लेट हो रहा था और बहुत सारे कैंडिडेट जो है कि पूछ रहे थे कि मुजफ्फरपुर कब आएगा और फर्दर जो है कि बात करें तो फिर दरभंगा का कब आएगा। दरभंगा का तो कल फेक न्यूज़ भी वायरल किया गया था बट कल नहीं आया है दरभंगा, क्योंकि कल सिर्फ पटना जिला का ही लिस्ट आया है और आज मॉर्निंग में वेस्ट चंपारण का जारी किया गया था, इसका मैंने आप सभी लोगों को अपडेट दे दिया है। डेली 1 से 2 जिला का जारी किया जा रहा है, यानी कि अभी अगर देखें तो 12 से 13 जिला और बचे हुए हैं आप सभी लोगों के, तो इसका अगर हम लोग प्रक्रिया करेंगे तो अराउंड 6 से 7 दिन और चलेगा आप सभी लोगों का विद्यालय आवंटन का प्रोसेस, उसके बाद आप सभी लोगों का जो है कि ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। विद्यालय आवंटन के 2 दिन बाद ही आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आज फिर 2 से 3 जिला का जारी जरूर होगा। ठीक है, अगर रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं हुई तो ठीक है, आज आप सभी लोगों का मुजफ्फरपुर दरभंगा और सहरसा जिला का आने के चांसेस है। आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि कितने जिले बचे हुए हैं जिनका अभी तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है और आज किन किन जिला का जो है कि जारी होगा और किन जिले का आने के चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में जिस लिए मैंने आप सभी लोगों को वीडियो बनाया था वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवा दिया। इसके अलावा अगर आप सभी लोग को इसके अंदर कोई भी क्वारीज है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर के ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर आप सभी लोगों को सभी अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जय हिंद।